हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल रंजीत फिश फार्मिंग में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको एक अच्छी जानकारी देने वाला हूं, जो कि हर जितने भी लोग मछली पालन करते हैं उनको ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर आप भी चाहते हैं कि मेरा मछली जो है आधा केजी एक केजी तक का वेट हो जाए, तो इस वीडियो में आप दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। अपने मछली का हमेशा ग्रोथ चेक करने के लिए आप नेट जो है स्टिक खरीद सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दे दिए हैं। क्योंकि समय समय पर जो है मछली का ग्रोथ चेक करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, और मछली पालन से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट होते हैं दोस्तों, तो आपको जो है हम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं, वहाँ से जाकर आप परचेज कर सकते हैं यानी कि खरीद सकते हैं। जैसे कि पीएच चेक करने वाला जो है और बर्ड नेट, ये सारा चीज़ जो है प्रोडक्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है बहुत सारे लोग जो है मछली पालन करते हैं, उसमें से तकरीबन 60-70% लोग ऐसे हैं जो कि एक बार अपने तालाब में जो है मछली का सीड डाल देते हैं, और उसके बाद दोस्तों उनको लगता है कि हमने आधा काम कर लिया, और उसके बाद जो है मछली को दाना देना स्टार्ट कर देते हैं। और वो दाना तब तक देते हैं जब तक जो है उनका मछली 9-10 महीने का नहीं हो जाता है, तब तक देते हैं। और वो बीच में ये कुछ नहीं जानते हैं कि मेरा मछली का वेट क्या हुआ और मेरे मछली जो है कितना एक्टिव है, ये सारा चीज़ कुछ नहीं देखते हैं लोग। बस शाम में दाना डाल देना है, हो गया। तो दोस्तों आपको हम बता दें कि आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। जब भी आप अपने तालाब में सीड डालिए तो उसका जो है एक एवरेज वेट निकाल लीजिए कि मेरा जो है एक सीड जो है इतना ग्राम का है। मछली का बॉडी वेट के हिसाब से जो है आप अपने तालाब में जो है मछलियों को दाना दीजिए। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर जो है तालाब में जो है जाल चलाया जा रहा है, और आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। इसका दोस्तों दो फायदा है। तकरीबन जो है 15 दिन या 20 दिन के अंतराल पर आप भी एक बार जो है तालाब में इस तरीके से आप जाल चलवा सकते हैं, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे मछली जो है कितना उसका साइज हुआ, क्या मेरे मछली ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। आप उसी के हिसाब से दोस्तों जो आप अपने तालाब में दाना डालिए। आप 20 दिन या एक महीना के अंतराल पर ऐसा आप कर सकते हैं, उसके हिसाब से जो है आप अपने मछली का बॉडी वेट देख सकते हैं, और उसी के हिसाब से जो है अपने तालाब में दाना डालिए। और ये चारों तरफ जाल चलाने से एक फ़ायदा और होता है कि पानी में जो है ऑक्सीजन की कमी नहीं होती है, इसको जो है मेंटेन किए रहता है। पानी में आप जाल चलाते हैं तो वहाँ पर जो है मछलियाँ का वृद्धि मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि जो है आप महीना या 20 दिन पर एक बार जाल चलाते हैं तो उससे जो है पानी में ऑक्सीजन जो है थोड़ा बहुत बढ़ता है, और मछली भी जो है एक्टिव हो जाती है। वो एक जगह पर नहीं रहती है और एक्टिव होकर इधर उधर चलती है, और तालाब में मछलियाँ जितना ज़्यादा एक्टिव रहेगी उतना ही ज़्यादा आपके लिए भी और आपके मछलियों के लिए भी सही रहेगा। तो आप ऐसा करके दोस्तों जो है 15 दिन 20 दिन या एक महीने के अंदर अंतराल पर अगर आपको कभी भी टाइम मिलता है तो अपने तालाब में जो है बड़ा, अगर आपके पास जाल नहीं है, अगर उतना आप नहीं सक्सेस कर पा रहे हैं, तो आप छोटा ही जाल लेकर चारों तरफ एक बार घूम जाना चाहिए, और जिससे जो आपका मछली का वेट भी पता चल जाता है कि कितना मेरा मछली का वेट हुआ और कितना हमको दाना देना है, और आपके तालाब में ऑक्सीजन भी मेंटेन रहेगा। तो चलिए, आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें।